हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारा आपका यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप 7.0 के अंदर एक टिंट बैकग्राउंड का एक अच्छा सा एक कलर ग्रेडिंग आप लोगों को सिखाऊंगा। यहाँ पे एक आपको प्रीसेट्स दूंगा, जिस प्रीसेट्स के अंदर से आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा कुछ स्टेप्स से आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग पे जो फोटो आप लोगों को दिखाया हूँ, सेम टाइप का आप यहाँ पे आउटपुट निकाल पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नया है तो जरूर उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिल जाए। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो मेन फोटो है उस फोटो को आपको सबसे पहले कुछ चेंजेस करना नहीं है, मतलब फोटोशॉप में डालना भी नहीं है, कोई चेंजेस करना नहीं है। जो फोटो आपने शूट किया है सिंपली उसी फोटो के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो सेटिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक से आपको ये वाला देख सकते हो DNG फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, टिंट प्रीसेट करके मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। सिंपली उसको डाउनलोड करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना होगा, जो है एडोब, जो लाइटरूम CC 2020 में आज यूज करने वाला हूँ। तो आप कोई सा भी वर्जन यूज कर सकते हो एडोब जो लाइटरूम CC का, तो वो कोई हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, आप आसानी से चल जाएगा। आपको कुछ ही स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको DNG फाइल को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पे देख सकते हो प्लस आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे चाहो तो ऐड फोटोज मिल जाएगा, तो प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो DNG फाइल मैंने रखा था, ये देख सकते हो टिंट प्रीसेट करके DNG फाइल, उसको यहाँ पे क्लिक करना और रिव्यू फॉर इम्पोर्ट कर क्लिक कर देना। तो तभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टिक मार्क करके रखना है और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, अभी ऐड वन फोटो पे क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक कर देने के बाद ये फोटो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो आपको यही प्रीसेट्स का आपको मतलब मिल जाएगा सेटिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले ये तो हो चुकी है, अभी आपको मेन फोटो देख सकते हो ये वाला, इसका नाम कोई और एक डाल देता हूँ, 1000 ऐसे करके डाल दिया, अभी इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं प्लस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ पे सबसे पहले उसको ढूंढ लूंगा ये वाला, सिंपली इसको सिलेक्ट ऑल करके ऐड वन फोटो कर दिया। तो अभी ये वाला फोटो मेरा पहली वाली है, मतलब ये जो मैंने नॉर्मल सी शूट किया हुआ फोटो है। तो ये वाला फोटो को मैं सेम इसी तरह अप्लाई प्रीसेट करूंगा। कैसे करूंगा, पहली वाली जो DNG फाइल है इसमें जाऊंगा, यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे कॉपी एडिट सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे कॉपी कर सकते हो या Ctrl+C दबा सकते हो, और उसके बाद ए वाला फोटो पे जाना, वही 3 डॉट पे जाना, या Ctrl+V कर सकते हो या पेस्ट एडिट सेटिंग कर देना। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लेके यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो जब इस तरह अप्लाई हो जाएगा आपका फोटो बहुत ही बेहतर लगेगा, देख सकते हो किस तरह टिंट कलर का आ चुकी है और एक ऑरेंज टाइप का एक ग्रे कलर आ चुकी है। तो अभी इस तरह हो जाने के बाद अभी करना क्या होगा, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इस मेन फोटो को एक्सपोर्ट करना होगा JPG वर्जन पे। तो कैसे करूँगा, फाइल पे जाऊँगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट मिल जाएगा, या चाहो तो Ctrl+Shift+E दबा सकते हो। मैं एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे फाइल टाइप चूज करने को बोल रहा है, तो मैं फाइल टाइप को चूज करूंगा JPG, आप देख सकते हो JPG, और यहाँ पे साइज को फुल साइज करूंगा, क्वालिटी को 100% ही रहने दूंगा। और करने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जा सकते हैं और यहाँ पे नाम वगैरह चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नेम जो सेव करूंगा उसका नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल दूंगा कोई सा भी एक डाल देता हूँ, फाइनल कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो सिंपली देख सकते हो इतना तक हो चुकी है, और कोई चेंजेस मत कीजिएगा, अभी एक्सपोर्ट वन फोटो पे क्लिक करना। तो फाइल चूज करने के लिए बोलेगा, मैं डेस्कटॉप ही चूज करके सिलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी टाइम पे ही एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगा इधर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वेट कर लूंगा, देख सकते हो चुकी है। अभी ये वाला सॉफ्टवेयर को आप मिनिमाइज कर सकते हो या चाहो तो आप कट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो JPG वर्सन आ चुकी है। तो मेरे फोटो कुछ इस तरह से दिख रही है। सिंपली अभी काम है और भी इसको लुक अट्रैक्टिव एंड ग्लेजी बनाने के लिए, इसको ओपन कर लूंगा मेरा फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो देख सकते हो फोटोशॉप 7.0 के अंदर मैं इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे फोटोशॉप 7.0 के अंदर इसी कलर ग्रेडिंग का कोई यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है उतना, तो परफेक्टली नहीं भी हो पाएगा, तो लाइटरूम को मेरे को चूज करना पड़ा। तो देख सकते हो इस तरह फोटो है। अभी सबसे पहली काम क्या है, आपको फोटो को ओवरऑल देख के क्या लग रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट की कमी लग रही होगी, तो मैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एक 10-10 करके यहाँ पे सबसे पहले डाल देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले 10-10 करके ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट डाल दिया, ओके किया। अभी देख सकते हो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वो परफेक्टली मेरे पास दिख रहा है।
तो अभी मैं जाऊंगा सिलेक्टिव कलर पे, सिलेक्टिव कलर पे मैं चूज कर लूंगा ब्लैक पैनल, ब्लैक पैनल पे मैं 3 के आसपास डाल दूंगा तो और भी बहुत ही ग्लेजी लगेगा। ब्लैक से जाऊंगा नेचुरल्स पे, नेचुरल्स को भी लगभग 3 के आसपास मैं यहाँ पे डाल के देख लूंगा किस तरह आउटपुट मिल रहा है। तो इतना तक अभी ओके किया। अभी देख सकते हो फोटो के ऊपर से डस्टी कलर कोई भी नहीं है जो पहले से था। मैं बंद करूंगा तो देख सकते हो ये डस्टी कलर था, सिंपली वो कलर्स वगैरह सारे कुछ हट चुकी है। अभी कुछ इस तरह से मेरे को आउटपुट मिल रहा है। अभी और कुछ स्टेप्स है क्या करना पड़ेगा, मैं एडजस्ट पेन आइकन पे जाऊंगा, यहाँ चाहो तो एक लेबल लेके चेक कर सकते हो लेबल्स अच्छे से है या नहीं। अगर ये लेबल्स पे यहाँ पे कहीं पे ओनली मतलब व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ ए वाला चेंजेस नहीं करूँगा। अभी आप चाहो तो थोड़ी सैचुरेशन वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, जैसे सैचुरेशन को थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंक्रीज करना चाहूँ तो थोड़ी सी इंक्रीज कर सकता हूँ 10 के आसपास। अभी ओके किया। अभी देख पाओगे फोटो किस तरह लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट लग रही होगी। अब जब इस तरह से लगेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ से ले लूँगा एक ब्लैंक सा लेयर, तो चलिए ब्लैंक सा लेयर एक ले लिया। और ब्लैंक सा लेयर लेने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे स्किन के ऊपर डायरेक्टली व्हाइट पेस्ट कर सकते हो, या चाहो तो हुई सैचुरेशन और एक ले सकते हो यहाँ से। ये हुई सैचुरेशन के ऊपर क्लिक करके हुई सैचुरेशन ले लिया। यहाँ से सबसे पहले जूम करना होगा स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर मैंने जूम किया। अभी इसका सैचुरेशन इतना तक डाउन करना पड़ेगा ताकि स्किन के ऊपर से जितना सारा कलर था वो कलर का सैचुरेशन डाउन हो जाए। तो चलिए मैं 42-45 के आसपास यहाँ पे मेरा मैच कर रहा है, तो मैच करने के बाद ओके किया। इस मास्क को कंट्रोल आई दबाते हुए इन्वर्ट करूंगा, तो मास्क इन्वर्ट हो चुकी है देख सकते हो। अभी ब्रश टूल को सिलेक्ट करूंगा और फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखूंगा, और करने के बाद जहाँ जहाँ पे स्किन था ओनली उधर ही मेरे को ब्रश करना पड़ेगा। तो देख सकते हो मैं ब्रश कर चुका हूँ इधर से, यहाँ पे भी थोड़ी सी स्किन रह गया है और इस साइड पे भी थोड़ी सी स्किन रह गया है, तो मैं सारे को देख सकते हो रिमूव कर चुका हूँ। इधर पे भी थोड़ी सी ब्रश कर लिया। अभी कुछ आप लोगों को स्किन कुछ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन स्किन को और भी ग्लोइंग एंड अच्छा सा बनाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाला जो ब्लैंक लेयर लिया था उसके ऊपर जाऊंगा, यहाँ से पेंट बकेट टूल को चूज करूंगा और फोरग्राउंड कलर व्हाइट एक बार क्लिक करूंगा फोटो के ऊपर, तो ओवरऑल फोटो व्हाइट हो जाएगा। अब इसका ब्लेंडिंग जो मोड है इसको कर लेना है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा फोटो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे एक मास्क ले लेना है ए वाला लेयर के ऊपर और कंट्रोल आई दबाते हुए मास्क को इन्वर्ट कर लेना है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। मेरा मास्क का कलर ब्लैक है तो मेरे को फोरग्राउंड कलर व्हाइट रखना है और ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है, और जहां जहां पे स्किन है आपको धीरे धीरे करके पूरा पूरा स्किन के ऊपर यहाँ पे ब्रश कर लेना है। तो चलिए मैं भी धीरे धीरे करके पूरा पूरा स्किन के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ, और उसके बाद कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा जो स्टेप्स इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा। तो देख सकते ज्यादा मेरे यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे ब्रश हो चुके, वो आप मैनुअली आप रिमूव वगैरह कर सकते हो। तो देख सकते हो इतना तक मैंने ब्रश कर लिया। अभी थोड़ी सी जूम करना होगा और यहाँ पे फ्लो को लगभग 10 के आसपास कर दीजिए, और ब्रश का साइज थोड़ी सी डिक्रीज करके आंखों आईब्रो वगैरह थोड़ी सी रिटर्न लेके आ जाना। तो इतना तक हो जाएगा। अब इतना तक होने के बाद ये जो लेयर है इसका ओपीसिटी को लगभग 50-60 के आसपास आप लोग रख देना, तभी आपका बहुत ही ग्लेजी स्किन आपको लगेगा। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी इतना होने के बाद आपको और एक काम लास्ट करना है, वो क्या है, मैं हर एक वीडियो में और भी ग्लेजी फोटो बनाने के लिए कलर बैलेंस लेता हूँ, तो एडजस्टमेंट आइकन पे जाऊँगा, यहाँ से ले लूँगा कलर बैलेंस। कलर बैलेंस पे सबसे पहले जाऊँगा हाइलाइट्स के ऊपर, और इसका जो ब्लू है ब्लू को लगभग कर दूंगा 15 के आसपास, और यहाँ पे जो मैजेंटास एंड ग्रीन मिल जाएगा, सबसे पहले ग्रीन को साइड पे आपको मैजेंटास के साइड पे -10 करना है, और क्यान एंड रेड जो मिलेगा आपको रेड के साइड पे +10 करना है, तो और उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो अभी देख सकते हो आउटपुट कितना परफेक्ट और कितना ग्लेजी लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे फोटो। तो आप लोगों भी इस तरह एडिटिंग पसंद आएगा, और तो अगर ये वाला एडिटिंग आप लोगों को पसंद आता है अच्छा लगता है तो जरूर एक बार वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल पे इस तरह का बहुत सारा ट्यूटोरियल मिल जाती है और बहुत सारा एडिटिंग का आपको यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह सारे कुछ मैं दे देता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो जरूर एक बार सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि इस तरह वीडियोस आपको रोज मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नया कोई एडिटिंग के साथ, नया कोई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।